दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मेगा ग्रैंड लीग का जो ट्रंप कार्ड प्लेयर होता है वो कौन होता है। ठीक है, यानी कि ट्रंप कार्ड प्लेयर क्या होता है, किस तरह से हमें अपने टीम में उसको यूज करना होता है। अगर आप जानते हैं कि रिस्की प्लेयर्स को हम ट्रंप कार्ड प्लेयर बोलते हैं, तो वो रिस्की प्लेयर्स कौन है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, इसलिए आपको वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राकेश आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाटेक में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह के वीडियो डेली मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो मैं हूँ टीम प्रोवाइडर और डेली टीम प्रोवाइड करता हूँ जीएल और स्मॉल लीग दोनों। ठीक है, उसकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ, साथ साथ पिच रिपोर्ट हर चीज़ जो भी मतलब कि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स मिलते हैं वो सारी चीज़ें हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना काफ़ी ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए। चलिए बात कर ली जाए अब ट्रंप कार्ड प्लेयर होता क्या है। दोस्तों देखो कई कंडीशन में हम ट्रंप कार्ड प्लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं, अब उसको पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि उसे हम पहचानेंगे कैसे, अपने टीम में इंक्लूड कैसे करेंगे, किस सिचुएशन में किसको हम ट्रंप कार्ड के रूप में ले सकते हैं, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी छोटा है, कंप्लीट देख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले ट्रंप कार्ड प्लेयर्स के बारे में कि ये होता क्या है। देखो भाई ट्रंप कार्ड जो प्लेयर होता है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज आपको बिल्कुल डाउन दिखेगा, यानी कि जिसे हम रिस्की प्लेयर्स भी बोल सकते हैं। जहाँ पर देखो सूर्य कुमार यादव का 69% सिलेक्शन है, रोहित शर्मा का 74% सिलेक्शन है, विराट कोहली का 86% सिलेक्शन है, इसी तरह से लिटन दास हो गया जिसका 58% और 67% इसका सिलेक्शन ऋषभ पंत का है, और यहीं पर एक जो प्लेयर आपको दिख रहा है संजू सैमसन जिसका 32% सिलेक्शन है। तो आप इसे ट्रंप कार्ड प्लेयर्स के रूप में ले सकते हो, बट यहाँ पे देखो क्या है, संजू सैमसन जो है इसको मतलब कि लोगों को पता नहीं है कि ये पहला मैच है। ठीक है, लोगों को पता नहीं है कि संजू सैमसन इस मैच में प्ले करेगा, इसके कारण इसका सिलेक्शन परसेंटेज जो है काफ़ी डाउन है। तो अगर ये प्ले करता है तो संजू सैमसन जो है बड़ा प्लेयर है, ठीक है, और इसे लोगों ने सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो सिलेक्शन बढ़ जाएंगे, ये आपका सेफ प्लेयर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रंप कार्ड प्लेयर नहीं है। तो चीज़ें को आपको समझना है ट्रंप कार्ड प्लेयर होता है कौन है। जो प्लेयर्स मैं आपको बता दूं, जो प्लेयर्स का सिलेक्शन परसेंटेज बिल्कुल डाउन है, रिसेंट के कई मैचों में बंदा फ्लॉप होके आ रहा है, उसका सिलेक्शन परसेंटेज ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, लोगों का भरोसा टूट जाएगा उस पर से, और वो बंदा जो है उसको मतलब कि लोग ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करेंगे, और आपको उसी प्लेयर्स के अपने ट्रंप कार्ड के रूप में अपने टीम में लेना होता है। ठीक है, ये एक चीज़ आपने समझ लिया। अब देखो किसी प्लेयर्स का जैसे कि बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड हो, ठीक है, बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड हो तो हमें क्या करना है, बॉलर्स को अपने ट्रंप कार्ड के रूप में लेना है। ठीक है, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज बिल्कुल डाउन है, जैसे कि यहाँ पे टास्किन अहमद है, ठीक है, टास्किन अहमद को हम सिलेक्शन परसेंटेज देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि इसका सिलेक्शन परसेंटेज जो है काफ़ी डाउन है, और इसको हम अपने ट्रंप कार्ड प्लेयर के रूप में अपने टीम में ले सकते हैं। ठीक है, टास्किन अहमद का 24% बिल्कुल सिलेक्शन है, इसी तरह कुलदीप यादव है तो 42 है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक और प्लेयर हो गया मोहम्मद सिराज, जिसका परसेंटेज देख सकते हो 20% है, इस प्लेयर्स को हम अपने टीम में ले सकते हैं ट्रंप कार्ड के रूप में। ठीक है, यानी कि जिसको मतलब कि लोगों से भरोसा उठ गया है जिस प्लेयर्स पे, उस प्लेयर को आप अपने टीम में लोगे तभी आप मेगा जीएल में फर्स्ट रैंक लाओगे। ठीक है, अब देखो बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड पे आपको बॉलर्स को देख लेना है कि कौन बॉलर जो है जिसका सिलेक्शन काफ़ी डाउन है और वो अपने पूरे कोटे का 4 ओवर बॉलिंग डाल रहा है। ठीक है, वैसे प्लेयर्स को आपको लेना है। बस आपको देखो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पिच रिपोर्ट के बेस पर ही आपको ट्रंप कार्ड प्लेयर्स को उठाना है। ठीक है, बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड हो तो वहाँ पर क्या करना, ओपनर जो बॉलर्स होंगे, ठीक है, उसी का सिलेक्शन परसेंटेज किसी प्लेयर्स का डाउन हो रहा हो, उस प्लेयर्स को आप अपने टीम में रखो, वो ट्रंप कार्ड प्लेयर होगा, रिस्की प्लेयर होगा। क्यों? क्योंकि देखो वो प्लेयर का रिसेंट का 4-5 मैचेस जो है उस मैचेस में वो बंदा फ्लॉप होते आ रहा है, यानी कि विकेट लेस जा रहा है, उस प्लेयर्स को अगर पावर प्ले में बॉलिंग डाल रहा है तो उस प्लेयर्स को आपको अपने टीम में लेना है।
क्योंकि जब आप ट्रंप कार्ड के रूप में बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड पे बॉलर्स को लेते हो तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। क्यों? क्योंकि देखो सिलेक्शन परसेंटेज तो एक डाउन होगा क्योंकि लास्ट के 4-5 मैच से वो बंदा फ्लॉप रहेगा। वो क्यों? क्योंकि लास्ट के 3-4 जो मैचेस हैं वो बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड पे हुए होंगे, इसके कारण वो बंदा फ्लॉप हुआ होगा। क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड पे जो है बैट्समैन अच्छे चलेंगे, जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है वो अच्छे चलेंगे, तो सामने वाली टीम का जो पावर प्ले का गेंदबाज होगा वो बिल्कुल मतलब कि पिटेगा, फ्लॉप होगा, इसके कारण जो है वो विकेट लेस रहता है और लोगों का भरोसा उस पर उड़ जाता है। तो ऐसे प्लेयर्स को हमें अपने टीम में सेलेक्ट करना है। एक चीज आपने समझ गया। अब देखो दूसरी बात क्या है, ऑलराउंडर सेक्शन से भी हम ट्रंप कार्ड प्लेयर्स को उठा सकते हैं। तो वो किस कंडीशन में, देखो वो अपने कोटे का 4 ओवर पूरे बॉलिंग डाल रहा हो, ठीक है, और 4 ओवर बॉलिंग डालने के बाद में वो बैटिंग भी कर रहा हो, ठीक है। अगर बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड हो तो वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है या 4 ओवर बॉलिंग डाल रहा है, तो उस प्लेयर्स को आपको अपने टीम में लेकर चलना है ट्रंप कार्ड के रूप में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मार्को जेनेसन है और सोमिया शंकर है, ठीक है, ये ट्रंप कार्ड प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ट्रंप कार्ड प्लेयर होते हैं। बैटिंग सेक्शन से आपको किसको लेना है बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड पे, तो बैटिंग सेक्शन से आपको बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड पे वैसे बैट्समैन को लेना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज बिल्कुल डाउन हो, यानी कि 30% से नीचे का हो, और वो बंदा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करा हो, ठीक है, तो वो आपके लिए ट्रंप कार्ड प्लेयर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो मोहम्मद उल्लाह है, ठीक है, बांग्लादेश के प्लेयर, 29% सिलेक्शन परसेंटेज है, ये बंदा जो है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा, ठीक है। जब सिचुएशन बॉलिंग फ्रेंडली हो तो उस कंडीशन में आप मोहम्मद उल्लाह को अपने टीम में रखो और इसको ट्रंप कार्ड के रूप में रखो और इसको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड हो तो हमें बैट्समैन सेक्शन से किस तरह से ट्रंप कार्ड प्लेयर उठाने हैं, तो बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड हो जहां पे देखो वैसे बैट्समैन जिसका सिलेक्शन परसेंटेज डाउन हो और वो बंदा टॉप ऑर्डर में यानी 1 डाउन 2 डाउन पे बल्लेबाजी कर रहा हो, ठीक है, तो वैसे प्लेयर्स को आपको ट्रंप कार्ड के रूप में लेना है। तो वो प्लेयर्स भी आपको यहां पे दिख जाएंगे, जैसे कि ये विराट कोहली है तो ये टॉप ऑर्डर में आएगा, सूर्य कुमार यादव भी है टॉप ऑर्डर में आएगा, रोहित शर्मा भी है टॉप ऑर्डर में आएगा, और यहाँ पे एन नूरल हुसैन संतू है, ठीक है, ये भी टॉप ऑर्डर में आएगा, लेकिन इसका सिलेक्शन परसेंटेज देखो कितना है, 36% है, ठीक है, तो इसे हम ट्रंप कार्ड के रूप में ले सकते हैं जब बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड होता है, ठीक है। अब बात कर ले यहां पे देखो ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन में जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहा है, ठीक है, और 4 ओवर पूरे बॉलिंग डाल रहा है, उसका सिलेक्शन परसेंटेज बिल्कुल डाउन है, जैसे कि मेहदी हसन हो गया, इस प्लेयर्स को आप अपने ट्रंप कार्ड के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लीजिए यहां पे बॉलिंग सेक्शन में, ठीक है, तो बॉलिंग सेक्शन में जब बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड हो तो उस कंडीशन में आपको कैसे प्लेयर्स को ट्रंप कार्ड के रूप में लेना है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो जब बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड हो और बॉलिंग सेक्शन से हमें ट्रंप कार्ड प्लेयर उठाना है तो देखो क्या करना है, देखो दोनों टीमों से आप ट्रंप कार्ड प्लेयर उठा सकते हैं, लेकिन किसको, जो डेथ में बॉलिंग कर रहा हो उस प्लेयर्स को। जैसे कि मैं आपको बता दूं बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड हो और वहां पे बैट्समैन जो है टॉप ऑर्डर के अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है, तो पावर प्ले के गेंदबाज को विकेट्स नहीं मिलेगा, ठीक है, डेथ ओवर में जो बॉलिंग करेगा उसको विकेट्स मिलेगा, वो क्योंकि डेथ में विकेट्स जाने के हाईएस्ट चांस बनते हैं, और कोई भी बैट्समैन जो आएगा कम ओवर बचेगा हिटिंग करेगा उस कंडीशन में वो अपना विकेट फेंक डालेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको बॉलिंग फ्रेंडली से जब भी आपको ट्रंप कार्ड प्लेयर उठाना है तो देखो अगर बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड हो तो डेथ के बॉलर्स को ही कैप्टन वाइस कैप्टन और ट्रंप कार्ड के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि डेथ में यहाँ पे बॉलिंग कौन करता है, तो मुस्ताफिजुर रहमान है जो पावर प्ले में भी बॉलिंग करेगा, जसप्रीत बुमराह पावर प्ले में भी बॉलिंग करेगा, बट ये डेथ में भी बॉलिंग करता है, तो जसप्रीत बुमराह तो आपको लेना ही लेना है। अब यहाँ पर ताशकिन अहमद जो है ये 16वां ओवर करेगा और इसके बाद में 19वां ओवर करेगा, ठीक है, तो ताशकिन अहमद को भी आप अपने टीम में ट्रंप कार्ड के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद में आपको यहां पे एक और प्लेयर मिल रहा है आवेश खान, इस प्लेयर्स को आपको अपने टीम में ले लेना है। क्यों? क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग 100% जो है ये प्लेयर डेथ में बॉलिंग करेगा और इसका सिलेक्शन परसेंटेज जो है काफी डाउन है, ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रंप कार्ड प्लेयर उठाना है। तो यहां तक आपने चीजें को समझ लिया है। अब एक चीज जो अंदर की बातें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पे, ठीक है, इस वीडियो में जो लोग अगर वीडियो को देखे हैं यहां पे वो बिल्कुल मतलब कि बहुत अच्छे फायदे में यहां पे आएंगे, क्योंकि यहां पे ये जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं हर यूट्यूबर नहीं बताता है, ठीक है। देखो गाइस क्या होता है कि पिच की कंडीशन आपको देख लेना है, ठीक है, पिच पे स्पिनर्स गेंदबाज को सपोर्ट है या पेसर गेंदबाज को सपोर्ट है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पेसर का ग्राउंड होता है वहां पे स्पिनर्स भी 2-3 विकेट्स निकाल लेते हैं, वो कैसे, तो मैं आपको बता दूं, देखो जो सामने वाला टीम है जैसे कि इंडिया का टीम है, ठीक है, इंडिया के टीम में
काफ़ी राइट हैंडर्स बल्लेबाज है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो संजू सैमसन भी राइट हैंडर है, ऋषभ पंत लेफ्ट हैंडर है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, ये सारे के सारे राइट हैंडर बल्लेबाज है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बांग्लादेश की जो टीम है यहाँ से कैसे मतलब कि बॉलर्स को उठाने हैं जो 2 से 3 विकेट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, स्पिनर, ठीक है। देखो तो वो ऐसा स्पिनर होगा जो मतलब कि सामने वाला टीम में राइट हैंडर आपने देखा काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से आपको बांग्लादेश से वैसे बॉलर्स को लेना है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, ठीक है। जिस बॉलर्स पे लिखा होगा लेफ्ट आर्म स्पिनर, यानी कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज जो होगा, उस प्लेयर्स को आपको अपने टीम में लेकर चलना है। वो बंदा 2 से 3 विकेट्स आपको निकाल के देगा, चाहे वो बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड हो, बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड हो, पेसर का ग्राउंड हो, या फिर स्पिनर्स का ग्राउंड हो, समझ गए आप। अगर सामने वाला टीम में काफ़ी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, ठीक है, तो उसके अपोजिट से आपको ऑफ स्पिनर गेंदबाज को अपने टीम में लेके चलना है, वो विकेट आपको निकाल के देगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता दूँ, चीज़ों को आपको अच्छे से समझ लेना है तभी आपको अपनी टीम बनाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मन में कोई डाउट हो आप मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।